हे hey, नमस्कार दोस्तों, वॉच एंड एंजॉय माई चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। तो आधार कार्ड के बारे में क्या बात करेंगे, है ना? तो पहले तो बोलना चाहता हूँ, आप तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो आप लोगों को बहुत सारा मेरा चैनल में मिल जाएगा, जो आप लोगों को जो है मदद करेगा। और आप लोग को बोलना चाहता हूँ, मेरा प्लेलिस्ट जो है, मेरा यहाँ पर प्लेलिस्ट जितना सारा है सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आप लोग के लिए मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग का, टिप्स एंड ट्रिक का, और यहाँ पर जियो का, और यूट्यूब जो नया यूट्यूबर है उनके लिए, और पीसी के लिए जो कैसे ट्रबल शूट करते हैं, हाउ टू अर्न मनी, सब का अलग अलग तरह से वीडियो बना के उनको जो है मैं प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। जो आज का टॉपिक है वो है अपने मोबाइल फ़ोन में आधार कार्ड कैसे जोड़े। मतलब अभी जो है, अभी जो चल रहा है, अभी जो आइडिया और एयरटेल ने जो स्टार्ट कर दिया है, और सरकारी निर्देश अनुसार जो है सब मोबाइल नंबर पे जो है आधार कार्ड का नंबर जो है वो लिंक करवाना अनिवार्य है, ठीक है? मतलब एकदम कंपलसरी हो गया अपने आधार कार्ड नंबर को अपने मोबाइल नंबर पे जो है लिंक करवाना होगा, नहीं तो जो है अपने सिम जो है बंद हो जाएगा। तो एक तो आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि टाइम इसलिए है वो 2018 तक ये जो है आप लोगों को टाइम दिया है, जो अभी 2017 6 महीना चल रहा है, तो और भी बहुत सारा टाइम है, 6 महीना का टाइम है। धीरे धीरे जो है अपने मोबाइल फ़ोन में जो है आधार कार्ड नंबर जो है लिंक करवा लीजिए। तो कैसे करेंगे और किस किस प्रोसेस में जाएंगे तो इस वीडियो आगे तक देखते रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो बोलना चाहता हूँ, जो एयरटेल और आइडिया है ना, तो आइडिया का बात करता हूँ। तो आइडिया को, आइडिया सर्विस सेंटर कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग जो है अपने आधार कार्ड का नंबर अपने मोबाइल फोन में जोड़ सकते हो। तो पहले बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिए आइडिया केयर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टोर लोकेटर, ठीक है? तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट सर्कल। तो सिलेक्ट सर्कल में जो आपका स्टेट है वहाँ पर देंगे, मेरा जो है वेस्ट बंगाल देंगे। उसके बाद सिलेक्ट एरिया, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग, सिलेक्ट सिटी, जो आपका सिटी है उसके बाद यहाँ पर सिटी जो है आप सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा जो है सिलीगुड़ी का है, ठीक है? तो यहाँ पर सिलीगुड़ी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है फाइंड ऑप्शन है ना, तो फाइंड ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एड्रेस जो है शो करने लगेगा, ठीक है? तो मेरे यहाँ पर जो है बाबा लोकनाथ एंटरप्राइज सिलीगुड़ी, ठीक है? यहाँ पर बागा ज्योतिन कॉलोनी यहाँ पर जो है आ गया है ना। तो यहाँ पर एक ही दिखा रहा है, और आप लोग यहाँ पर चाहे तो और भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर जो है आइडिया स्टोर करके, ठीक है? और एक बात बोलना चाहते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग सिंपली आइडिया क्या सर्च करेंगे, उसके बाद आपका लोकेशन में जितना सारा यहाँ पर आइडिया क्या है स्टोर है तो यहाँ पर जो है नज़र आएगा। जो आपका जो है ऑफिशियल साइट में जाएंगे ना, वो ओरिजिनल जो है उनका स्टोर का नाम बोलेगा, ठीक है? और ये जो है मिनी स्टोर है, ठीक है? इसमें जाके आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने जो मोबाइल फ़ोन में जो आधार अपडेट करेंगे, वो मोबाइल फ़ोन नंबर जो है आपका आधार कार्ड नंबर जिस बंदे का करेंगे ना, उस बंदे को साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? जाके अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर दे दीजिए, उनको बोलेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में जो है अपने आधार कार्ड लिंक करवाना है। तो उन लोग शायद कुछ पैसा ले सकते हैं, और जो केयर है, आइडिया केयर है, जो ऑफिशियल केयर होता है, वहाँ पर कोई पैसा नहीं लेगा, ठीक है? जो आप लोग रिटेलर और जो है स्टोर में जाके बोल सकते हो किसी को भी, तो आपका जो है 10 रुपया या चांस नहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसा चांस लेके आप लोग जो है अपने सिंपली को मोबाइल नंबर जो है अपडेट
कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। तो री वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे जो है एक SMS आएगा, SMS आने के बाद वो SMS वहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। तो देने के बाद उसके बाद आपका बायोमेट्रिक मतलब आपका फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आधार कार्ड जिसका होगा लिंक मोबाइल नंबर पे, उसका आधार कार्ड और उसको साथ जाके जो है अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा उसका फिंगरप्रिंट देके। तो इस तरह आप लोग जो है आइडिया केयर में जाके कर सकते हो। तो सिंपली जो है एयरटेल केयर है ना, तो एयरटेल का भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर एयरटेल लिखिए और यहाँ पर एयरटेल, यहाँ एयरटेल केयर लिखिए, ठीक है। एयरटेल केयर लिखने के बाद आपका नज़दीक जो है यहाँ पर सर्विस सेंटर है सब यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो जाने के बाद वहाँ पर भी सेम आपको क्या बोलना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर को जो है अपने अपने मोबाइल नंबर पे जो है अपने आधार कार्ड जोड़ना है, ठीक है, लिंक करवाना है। तो वो क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड नंबर देके उसके बाद वहाँ पर वेरीफाई का एक नंबर आएगा, वो नंबर वहाँ पर देके अपने फिंगरप्रिंट देके अपने आधार कार्ड को जो है लिंक करवा सकते हो। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है ये प्रोसीड्योर को अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल हो तो मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी भी बहुत सारा टाइम है, अपने नज़दीक रिटेलर या जो है स्टोर में जाके तो अपने आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हो अपने मोबाइल नंबर पे। ये सिर्फ आइडिया और एयरटेल में जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर जो है वो भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सरकार से बोल दिया है कि अपने आधार कार्ड नंबर को जो है मोबाइल नंबर पे लिंक करवाना होगा। ये एक फ़ायदा हुआ क्योंकि एक बंदे का जो है आधार कार्ड से एक ही सिम होगा, ठीक है। उसके बाद जितना सारा उन बंदे का नाम से चल रहा है सिम वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा हुआ जो है, फ्रॉड करता है ना, एक डॉक्यूमेंट से बहुत सारा सिम बेचता है, उनके लिए ये जो है अभी उनके लिए अभी जो है बुरे वक्त आ गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ अपने आधार कार्ड को जो है लिंक करवा लीजिए अपने पर्सनल नंबर्स पे। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।